Sir, every fluctuation. What does the graph say? Stocks are going up. What? Stocks are going down. Good morning, friends. Welcome once again to Nifty and Bank Nifty analysis from tradingfab.in. टुडे 14 जून 2019 सुबह के 8:10 हो रहे हैं। आज जैसे कि फ्राइडे है तो बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस करेंगे, आने वाले वीक में कहां पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल हो सकते हैं इसको आइडेंटिफाई करेंगे, और उसके बाद निफ्टी में आज क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले कल के एनालिसिस का एक वीकली रिव्यू करते हैं। ये एक पिक्चर है कल का, यानी 13 जून 2019 आफ्टर मार्केट आवर से ये पिक्चर लिया हुआ है। ये 30 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है। हमारा कल के स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 11,922 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 11,860। तो ये लेवल्स को कैसे आइडेंटिफाई किया था अगर ये देखना है तो कल का हमारा वीडियो आपको देखना होगा, या उसकी लिंक यहाँ पर ऊपर आए बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो जैसे कल निफ्टी इंडेक्स यहाँ पर ओपन हुआ, इन दो लेवल्स के बीच में ओपन हुआ, और ब्रेकडाउन लेवल जैसे ही ब्रेक हुआ टुवर्ड साउथ की तरफ तो हमारा फर्स्ट टारगेट 11,844 ये यहाँ पर अचीव हुआ, और उसके बाद सेकंड टारगेट 11,821 ये भी अचीव हुआ, और एग्जैक्ट इसी लेवल के पास से इसने बाउंस बैक मूव दिखाया। तो कल के इस प्लान के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 35 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था, और 10 लॉट के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 26,250 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। चलते ग्लोबल मार्केट के हालात देखते हैं। कल अमेरिकी बाजार डाउ जोन्स नासडैक पॉजिटिव नोट के साथ बंद हुए। डाउ जोन्स में करीब 101 पॉइंट की बढ़त देखने को मिली। यूरोपियन बाजार देखे तो कल हल्के से बढ़त के साथ बंद हुए, और आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके हैं तो जापानीज मार्केट और चाइना मार्केट पॉजिटिव नोट पे ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन हांगकांग मार्केट में 52 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। डाउ फ्यूचर की बात करें तो अभी 41 पॉइंट की बढ़त दिखा रहा है, और एसजीएक्स निफ्टी 22 पॉइंट की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल अभी ग्लोबल मार्केट से थोड़े से मिले जुले संकेत आ रहे हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट से शुरू करेंगे, बैंक निफ्टी का एनालिसिस पहले करेंगे। ये वीकली चार्ट से शुरू करेंगे बैंक निफ्टी का। ये वीकली चार्ट है, अगर हम प्राइस एक्शन को आरएसआई के साथ अगर कंपेयर करें तो यहाँ पर आरएसआई का डाइवर्जन दिखाई देगा। ये मैं इसे लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ। आप देख सकते हैं ये जो प्राइस एक्शन है ये हायर हाइज बना रहा है, ऊपर हायर हाई बन रहे, लेकिन आरएसआई में यहाँ पर अभी लोअर हाइज बन रहे। तो ये आरएसआई का डाइवर्जन है, बुल्स की स्ट्रेंथ जितनी चाहिए ऊपर जाने के लिए उतनी यहाँ पर दिख नहीं रही है। आरएसआई ने यहाँ पर लोअर हाइज बनाया है और प्राइस एक्शन हायर हाइज बनाया, तो ये एक सिग्नल है। ऐसा ही होगा ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये सिग्नल है कि बुल्स अपनी स्ट्रेंथ यहाँ पर बियर्स से ज्यादा नहीं दिखा पा रहे। तो यहाँ पर अभी फिलहाल अगर प्राइस एक्शन को देखें तो हमने यहाँ पर फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ किया था, तो ये तीन बार कंटिन्यूस 76.4% के लेवल को इसने रेजिस्टेंस फेस किया, फेल हुआ तीन वीक लगातार इसके ऊपर सस्टेन करने के लिए, और अभी फिर से ये टूवर्ड साउथ की तरफ मूव कर रहा है। तो नीचे ये जो 50% का लेवल है 30,550 के पास, ये सपोर्ट का काम कर रहा है, जहां पर इसने ये लास्ट स्विंग हाई बनाया था। जो स्विंग हाई बनाया वो जहां पर रेजिस्टेंस का काम कर सकता है वो फ्यूचर में सपोर्ट का काम कर सकता है। तो 30,600 और 30,550 के पास यहाँ पर एक सपोर्ट जोन है। अगर इस वीक का ये कैंडल, अभी एक दिन बाकी है, इस वीक का ये कैंडल देखे तो प्रीवियस कैंडल का हाई और लो अभी तक इसने ब्रेक नहीं किया है, यानी एज पर वीकली चार्ट यहाँ पर इनसाइड बार ट्रेडिंग हो रहा है, यानी इंडिसिजिव पैटर्न है। ना बुल्स यहाँ पर हावी हो रहे हैं ना बियर्स हावी हो रहे हैं। तो ये लेवल्स रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ऊपर 31,600 और नीचे 30,550, तो इस दायरे के अंदर ये एज पर वीकली चार्ट ट्रेड हो रहा है। डेली चार्ट देख लेते हैं। ये है डेली चार्ट बैंक निफ्टी का। अगर आप यहाँ पर देखें तो दो बार इसने इस 20 ईएमए को एज पर डेली चार्ट पेनेट्रेट किया है, लेकिन इसके नीचे क्लोज नहीं हो पा रहा है। पेनेट्रेट कर रहा है और दिन के लास्ट टाइम ये ऊपर आके क्लोज हो रहा है, दो टाइम हमने ऐसा देखा। अभी ये यहाँ पर हैमर जैसा कैंडलस्टिक फॉर्म हुआ, तो डाउन ट्रेंड में जब भी हैमर टाइप का कैंडलस्टिक आता है तो चांसेस होते हैं कि यहाँ से एक बाउंस बैक दिखे। ऐसा ही होगा ये कहा नहीं जा सकता। मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया कि डाउन ट्रेंड में जब भी हैमर जैसा कैंडलस्टिक आता है तो थोड़ा सा बाउंस बैक दिखाई देता है।
यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं ये जो स्विंग हाई बना है इस लेवल के पास, तो इसने इस स्विंग हाई जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था ये लेवल, अभी ये सपोर्ट का काम कर रहा है। तो अराउंड 30,600 और 550 यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। यहाँ से बाउंस बैक दिखा रहा है, तीन टाइम इसने यहाँ से बाउंस बैक दिखाया है, ये देखिए। तो ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक और हम निफ्टी में यहाँ से और गिरावट नहीं दे सकते। एक बार ये लेवल अगर ब्रेक करता है तो हम बैंक निफ्टी में और गिरावट देख सकते हैं। तो ये काफी एक अहम सपोर्ट लेवल है। ऊपर ये ऑल टाइम हाई लेवल जो बनाया है अराउंड 31,783 के पास, ये जब तक ब्रेक ना हो तब तक हमें यहाँ से और भी टूवर्ड्स अपसाइड मूव यहाँ से नहीं दिखाई दे सकती है। ये हो गया डेली और वीकली चार्ट का सिनेरियो। अगर इंट्राडे का 5 मिनट का अगर चार्ट हम देख लेते हैं तो वहां पर एक पैटर्न बना हुआ है, बुलिश पैटर्न। तो वो क्या है वो देखते हैं। ये है 5 मिनट का इंट्राडे चार्ट। अगर आप यहाँ इसको ध्यान से देखें तो यहाँ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न बना है। ये मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये हो सकता है लेफ्ट शोल्डर, ये हो सकता है हेड और ये हो सकता है राइट शोल्डर। तो इसका नेक लाइन जो है, ये नेक लाइन यहाँ पर बन रहा है, ये नेक लाइन। तो ये अराउंड है अभी 31,030 के पास। तो इसने इस लेवल को कई बार यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया है इस लेवल के पास। तो जैसे ही इस नेक लाइन को ये ब्रेक करता है तो ऊपर में हमें बैंक निफ्टी में ये, लेकिन 5 मिनट के चार्ट में हम देख रहे हैं तो ये अपसाइड मूव कितना देर तक सस्टेन रहेगा ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये जो पैटर्न बना है ये बुलिश ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। अगर नेक लाइन के ऊपर चला जाता है तो यहाँ से और भी टूवर्ड्स अपसाइड मूव हमें दिखाई दे सकती है। तो ये एक बुलिश साइन है जो कि शॉर्टर टाइम फ्रेम में हमें दिखाई दे रही है। तो ये है बैंक निफ्टी का एनालिसिस, वीकली चार्ट, डेली चार्ट और 5 मिनट का चार्ट हमने देखा। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर। एक बार मंथली चार्ट से शुरू करते हैं। ये है मंथली चार्ट, क्योंकि अभी 2019 का आधा साल खत्म होने को आया है, दो क्वार्टर्स तकरीबन खत्म हो रहे हैं। तो एक बार मंथली चार्ट लॉन्ग टाइम फ्रेम में क्या ट्रेंड का पोजिशन है वो एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर भी अगर प्राइस एक्शन को आप कंपेयर करें तो मंथली चार्ट में यहाँ पर हायर हाइज बन रहे, ये हायर हाइज, लेकिन RSI में अभी तक हायर हाइज नहीं बने, यहाँ पर लोअर हाइज ही बन रहे। तो ये RSI का डाइवर्जन है यहाँ पे, इसलिए बुल्स की स्ट्रेंथ हमें ज्यादा नहीं दिखाई दे रही है। RSI हमें पहले ही सिग्नल दे रहा है कि बियर्स से ज्यादा बुल्स का कंट्रोल नहीं है यहाँ पर। तो हो सकता है यहाँ से एक करेक्शन है, ये मंथली चार्ट के हिसाब से हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। तो ये हो गया मंथली चार्ट का सिनेरियो। चलते हैं वीकली चार्ट में। वीकली चार्ट में जैसे कि आप देख रहे हैं ये 61.8% का ये जो लेवल है, फिबोनाची एक्सटेंशन का ये जो लेवल, इसके नीचे ये क्लोज होता है अगर, तो यहाँ से और भी टूवर्ड साउथ की तरफ हमें मूव दिखाई दे सकता है। ऊपर 12,078 का रेजिस्टेंस का लेवल बना हुआ है और नीचे 11,893 ये फर्स्ट सपोर्ट है और उसके बाद 11,750 ये नेक्स्ट सपोर्ट है एज पर वीकली चार्ट। तो चलते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट की अगर बात करें तो कल इसने एक हैमर जैसा कैंडलस्टिक फॉर्म किया, हल्का सा छोटा सा एक बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्म किया। तो अगेन यहाँ पर 20 EMA को उसने सपोर्ट टेस्ट किया और बाउंस बैक दिखा रहा है। तो अभी हो सकता है यहाँ से फिर से 12,000 की तरफ बढ़ने की कोशिश करे। तो 12,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है रेजिस्टेंस का। तो अगर 12,000 के ऊपर कोई भी स्ट्रांग मूव, डिसीजिव मूव आती है तो हमें ये ऑल टाइम हाई लेवल टूटता हुआ दिखाई दे सकता है और इसके ऊपर निफ्टी चला जा सकता है। तो अभी फिलहाल ये 20 EMA और ये 50% का जो 11,750 का लेवल है, ये जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक निफ्टी में और गिरावट आने की यहाँ पर उम्मीद नहीं है, ठीक है। तो यह है डेली चार्ट का सिनेरियो। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, क्विकली इंट्राडे स्ट्रेटेजी बनाते हैं। अभी यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर डबल बॉटम फॉर्मेशन बन सकता है। ये फर्स्ट बॉटम बना दिया, ये सेकेंड बॉटम बना दिया, लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। कंप्लीट कब होगा, जब ये इसके नेक लाइन को ब्रेक करेगा तब। तो अगर ये इसके नेक लाइन को कंफर्टेबली ब्रेक करता है तो ऊपर में हमें इसका जो कैविटी का हाइट है उतना ही ऊपर की तरफ और भी ये निफ्टी इंडेक्स बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तो आज के लिए इंट्राडे लेवल्स के लिए अगर ये कल का ये जो हाई बनाया है लास्ट
ट्रेडिंग सेशन में ये जो बाउंस बैक मूव आया है, इसका हाई जो है अराउंड 11,931 के पास है। तो इसके ऊपर अगर ये सस्टेन करता है, इसको ब्रेक करता है कंफर्टेबली, तो ही इंट्राडे के लिए हम बाय पोजीशन बनाएंगे और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,957, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 11,980, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। अगर टूवर्ड साउथ की तरफ बढ़ता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मल्टीपल सपोर्ट लेवल्स है, 50 ईएम है, 20 ईएम है, बाद में पिवट पॉइंट का भी लेवल है, फिर 100 ईएम भी है। तो फ्रेशर्स न्यू कमर्स है वो अवॉइड करें आज शॉर्ट पोजीशन बनाना, जो कंपल्सिव ट्रेडर्स है उनके लिए अगर ये पिवट पॉइंट को, ये जो पिवट पॉइंट है ये दो मूविंग एवरेजेस के बाद आ रहा है, तो इसको अगर ये कंफर्टेबली ब्रेक करता है पिवट पॉइंट को, 11,887 को अगर ब्रेक करता है टूवर्ड साउथ की तरफ, तो ही इंट्राडे के लिए शॉर्ट पोजीशन हम यहाँ पर बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, इमीडिएट फर्स्ट टारगेट होगा 11,871, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा ये 100 ईएमए, ये अभी फिलहाल 11,862 के पास आ रहा है, तो 100 ईएमए हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो आज के लिए ये है इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपके दोस्तों के साथ इस यूट्यूब चैनल को जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।